नज़ारे हैं रेलवे लाइन के ऊपर का दोस्तों। चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को। एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब, आइए बच्चे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं अभी हूं गीता कॉलोनी के सामने दोस्तों। देख सकते हो ये रैंप बनाने का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है बनके, तस्वीरें देख सकते हो। इसमें देखो अभी ये एंटी ग्लेयर ब्लेड भी लगाए जाएंगे, वो साइडों से साउंड प्रूफ बैरियर भी लगाए जाएंगे साइडों से, ये देख सकते हो दोनों साइडों में। अभी ये काम चल रहा है, ब्लैक टॉप भी हो चुका है इसके ऊपर दोस्तों। देख सकते हैं ये गीता कॉलोनी के सामने का ये नज़ारा है दोस्तों, कुछ ऐसा यहाँ पर ये चमक रहा है। ये देखो ये आई गटर पड़े हुए हैं, और आगे चलते हैं दिखाते चल के आगे क्या कुछ काम किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। कुछ ऐसा बनाया गया है दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। ये देखो ये साउंड प्रूफ बैरियर भी लगा रखे हैं ताकि आवाज़ ना आए ज़्यादा। बाकी फ्लोर वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है, अभी स्ट्रीट लाइट लगेंगे दोस्तों। इस पर फिनिशिंग का काम अभी किया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ये है दोस्तों गांधी नगर दिल्ली, और ये आई गटर्स रखे हुए हैं जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं जो रेलवे क्रॉसिंग है उसकी साइड में दोस्तों, यानी कि दिल्ली का जो पुराना ब्रिज है आयरन ब्रिज उस पर देखो कुछ ऐसा काम चल रहा है। ये देख सकते हो ये है नज़ारा, और यहाँ पर देखो ये जाम लगा हुआ है। अब मुझे तो लग रहा है जाम इसी चीज़ का लगा हुआ है दोस्तों। ये ड्रेनेज भी देखो बनाया हुआ है, ये जा रहा है देखो। अभी एक लाइन इधर भी निकाली जाएगी, एक लाइन उधर भी निकाली जाएगी, और बीच में ये क्या ड्रेनेज रहेगा दोस्तों, और ऊपर भी इसके रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप लोगों को, ठीक है। अब ये 12 लेन का है दोस्तों, ठीक है। इसमें ग्राउंड लेवल पर 6 लेन रहेंगी दोस्तों लोकल ट्रैफिक के लिए, और जिसको देहरादून डायरेक्ट जाना है वो फ्लाईओवर का सहारा लेगा दोस्तों। तो उसमें भी 6 लेन है, 3 लेन इस साइड में है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दिखाते हैं। और ये भी लगाया गया, ये देखो ये गाटरी समझ लो इसके ऊपर रखे, और जब ये बनाए गए थे ये गाटर जो है ना इसके ऊपर रखे गए थे दोस्तों। तो ये पड़े हुए हैं सेफ्टी वायर, देखो ये सेफ्टी वायर हैं जो डाले जाते हैं, देखो कि जो पड़े हुए हैं, देखो ये दिखाई दे रहे हैं ना निकलने बाहर पड़े हुए हैं। और ये भी सेफ्टी वायर की ही भाई साहब पूरा बंडल है सेफ्टी वायर का, देखो
है ना। और देखो यहाँ तक ये फ्लोर वर्क हो चुका है कंप्लीट इस जगह तक। और यहाँ पर ये देखो गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों इस पर फ्लोर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन है अभी इसी जगह पर चल रहा है दोस्तों। ये है गांधीनगर, देखो यहाँ तक ये फ्लोर वर्क कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इधर ये शटरिंग लगाई जा रही है, इधर शटरिंग लगा रहे हैं दोस्तों। और सरियाओं के बंडल देखो ये पड़े हुए हैं, ये सारे सरियाएँ एक बंडल दोस्तों ऊपर जाएंगे, फिर इन पर जाल बनाया जाएगा सरियाओं का जाल, फिर उसके बाद में दोस्तों इस पर कॉन्क्रीट का सीमेंटेड इसको कर दिया जाएगा क्या। तो ये फ्लोर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हो वहाँ पर काम चल रहा है इस टाइम पर। यहाँ पर देखो ये फुट ओवर ब्रिज बनाएंगे दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर ये पिलर बनाने का काम किया जा रहा है निर्माण। देख सकते हो यहाँ पर सारे में ये फ्लोर वर्क हो चुका है दोस्तों, देखो हो भी रहा है। और देखो ये सारी क्रेन मशीन रखी हुई हैं जो कि ये गाटर आई गटर को ऊपर लॉन्च किया जा रहा है, देखो उस साइड में देखो यही काम चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये जाम भी लगा हुआ है दोस्तों। देखो ये सारे में ही क्रेन मशीन खड़ी हुई हैं जो गाटर लॉन्चिंग को ऊपर पहुँचाती हैं दोस्तों, लॉन्च करते हैं। देखो यहाँ पर ये आई गटर्स को बीच में से जोड़ने का काम चल रहा है, ये देख सकते हो इधर भी अभी जोड़ने का काम किया जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पर ये गाटर लॉन्च हो रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर ये गांधीनगर की रेड लाइट है दोस्तों, और ये रेड लाइट का ही नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से देखो ये मिट्टी काट दी जा चुकी है दोस्तों, मिट्टी काटने के बाद में देखो इधर से भी ये रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्रेन मशीन खड़ी होंगी इसी वजह से, ठीक है। इनमें इन गाटर को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर ये स्पेस बनाया गया, ये देख सकते हो आप लोग। और पीछे का भी नज़ारा देख सकते हो, कुछ ये है पीछे का नज़ारा दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। ये देखो सारे में ही गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है दोस्तों, और इस पर हाई टेंशन वायर भी जा रही है देखो ऊपर, तो ख़तरा ना हो तो इसी वजह से देखो यहाँ पर ये ऐसा ये क्रॉस हो जाता है दोस्तों राइट में, और राइट में हो जाने के बाद में दोस्तों फिर है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन को भी ये क्रॉस कर रहा है आगे जाकर, जो आप लोगों को पिलरों की हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो वो क्या रेलवे क्रॉसिंग ही है दोस्तों। तो वहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, ये पिलर के पियर कैप तो बन चुके हैं हम दोस्तों, आई गटर द्वारा इस पर लॉन्च किया जाएगा। देखो यहाँ से ये लॉन्च होगा, एक ये बचा हुआ है पीछे का, और दूसरा ये एक ये पड़ा हुआ, तो यहाँ से ये लॉन्च होगा आगे जाकर दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, क्या ही नज़ारे यहाँ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत अपने चैनल पर लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। अब आप लोगों को पर डे वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और अपने दोस्तों में हितू रिश्तेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमारे वीडियोज़ को दोस्तों। आने वाले टाइम में आप लोगों को फैसिलिटी के साथ में वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर दोस्तों। ये गांधीनगर की देखो ये रेड लाइट है दोस्तों, यहाँ से ये ऐसे साइड में ये राइट में ये दोस्तों कर्व ले लेता है, देखो आगे वो पिलर बनाए जा रहे हैं। और उधर की साइड में है दोस्तों वो जो तिरंगा जो चमक रहा है दोस्तों, उधर है पुराना ब्रिज लोहे का, यानी कि यमुना रिवर के ऊपर दोस्तों। देखो ये काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों, और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा है ये स्लो डाउन लगा हुआ है दोस्तों, इसी की वजह से, क्योंकि ये काम चल रहा है इस पर इस वजह से। तो ऐसा ये कर्व ले लेगा, चलते हैं आगे ही दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों, ठीक है चलते हैं। देखो ये काम चल रहा है, देखो इस ट्रक में ये आई गटर आया है करीब, ये दोस्तों 50 फुट का होगा कम से कम। और देखो ऊपर बजे देखो पियर कैप बन गए हैं, कंप्लीट हो गए बन गए, अब इन पर आई गटर द्वारा लॉन्च किए जाएंगे दोस्तों। और चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे क्या नज़ारे हैं रेलवे लाइन के ऊपर का दोस्तों, चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को। मशीन भाई तब क्या हैवी क्रेन मशीन, देखो आप लोग सारे में ही यही काम चल रहा है। इधर देखो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देखो आई गटर को कितना लंबा चौड़ा भाई साहब आई गटर है, तो यही काम चल रहा है। दिखाते हैं चल के आप लोगों को रेलवे के ऊपर का नज़ारा दोस्तों क्या है। तो इस तरीके से ये आई गटर को देखो, इस तरीके से यहाँ पिलर को दोस्तों पियर कैप बनाए गए हैं पिलरों के। चलो ऊपर चल के दिखाते हैं चल के आप सभी को क्या नज़ारा है देखो, और पीछे के भी देख लो ये रहे पिलर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है दोस्तों, ये देखो ऊपर की साइड में ये
ये पियर कैप बनाया जाएगा। इसमें तो कंक्रीट भर गया है, देखो इसमें कंक्रीट भर दिया, और इसमें देखो ये सरियाओं का जाल बना दिया है। अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, दिखाते हैं आप लोगों को रेलवे के ट्रैक के ऊपर से। दोस्तों देखो उधर के भी सारे बन गए, ये है नज़ारा दोस्तों, ये है रेलवे ट्रैक। ये तो चला जाता है पुरानी दिल्ली के लिए, और पुरानी दिल्ली का जो पहली बार अंग्रेजी शासकों ने दोस्तों ये वाला लोहे का ब्रिज बनवाया था, आगे वाला उसका मैंने अपडेट दिया है। और ये सन 2003 से बनता आ रहा है नया ब्रिज, जो कि अभी तक बनकर कंप्लीट नहीं हो पाया दोस्तों। ये 155 साल पुराना है, पुराना तो अभी पे ही इसमें मालगाड़ी भी, और आपको बता दूं क्या पैसेंजर गाड़ियां भी इसी पे चलती हैं अभी पुराने ब्रिज पे। और देखो ये लोहे के स्ट्रक्चर ये रखे हुए हैं, देखो आई गटर्स, ये देख सकते हो ये लोहे के आई गटर हैं जो इस पे ही लॉन्च किए जाएंगे इस साइड में। तो इधर भी देखो ये पिलर में भी तो कंक्रीट भर गया, ठीक है, उसमें देखो वो सरियाओं का जाल बनाया जा रहा है, और उसके बाद में ये रोड क्रॉस करके दोस्तों, और फिर ये किस में आ जाएगा, ये शास्त्री पार्क के अंदर आ जाएगा दोस्तों। तो ये है रेलवे ट्रैक दोस्तों, और ये है मेट्रो ट्रैक, उसको दोनों को क्रॉस करने के बाद में रोड है, फिर उसके बाद में शास्त्री पार्क लग जाता है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे का व्यू। मैं खड़ा हुआ हूँ पुरानी दिल्ली का जो यमुना रिवर पे पुराना ब्रिज बनाया गया वहाँ पे, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को किस तरीके से बनाया जा रहा है दोस्तों। अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर ये पियर कैप के ऊपर ये पियर कैप बनाया जा रहा है। पियर के ऊपर दोस्तों देखो सरियाओं का जाल बना दिया, अब इसमें कॉन्क्रीट भरा जाएगा दोस्तों। कॉन्क्रीट भरने के बाद में ये पियर कैप बन जाएगा दोस्तों, और उधर के तो बन चुके हैं, उधर गटर लॉन्चिंग होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। देखो ये है नज़ारा, और यहाँ पर देखो ये है रेलवे लाइन दोस्तों। रेलवे लाइन पर भी देखो एक पिलर वो बचा हुआ है जो पियर कैप का काम किया जाना, एक ये बचा हुआ है, और देखो ये रेड लाइन मेट्रो निकल रही है दोस्तों। चलते हैं आगे शास्त्री पार्क की साइड में, दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पसंद को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। देखो ये नज़ारा है, और इसको मैंने आप लोगों को जीरो लेवल से ही मैंने दिखाया था जब इसका फाउंडेशन बनाया जा रहा था, जब इसमें पियर पाइलिंग चल रही थी, और अब देखो पियर पाइलिंग फिर पलेर बन गया दोस्तों, और अभी इस पर पियर कैप का काम किया जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग भी हो रही है दोस्तों। देखो ये है नज़ारा, और दिखाते हैं चल के आप लोगों को शास्त्री पार्क का व्यू। तो चलते हैं उस साइड में, फिर दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। तो देखो इन्जॉय करो, देखो कुछ ये है नज़ारा यहाँ का, ठीक है। देखो ये है दोस्तों शास्त्री पार्क, ये शास्त्री पार्क का सारा, और देखो फ्लोर वर्क हो भी चुका है दोस्तों, गाटर लॉन्चिंग भी हो चुकी है, बस यही वाला हिस्सा बचा हुआ है। अब देखो ये हिस्सा बचा हुआ है बस, ये देखो ये मेट्रो है, उधर रेलवे है, तो इसी के ऊपर बस अब गाटर लॉन्चिंग होनी है दोस्तों। बस ये पियर कैप का काम हो जाए, ये तीन पियर बचे हुए हैं अभी, और फिर इनको बनते ही अब दोस्तों इस पर आई गटर द्वारा गाटर लॉन्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।